अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू लाइबा हेल्थ टिप्स लाइबा हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से खुश आमदीद नाजरीन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे आज मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो पेश करने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन हजरात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो देर मत करें मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें मैंने आपकी सहूलियत के लिए चैनल का लोगो लगा दिया है वीडियो की राइट साइड पर आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि मेरी जितनी आने वाली वीडियोस है आप उसे आसानी से वॉच कर सकें तो चलते हैं आज की वीडियो की जानब आज जो हमारी वीडियो का अनवान है आपने जान लिया होगा व्यूवर्स जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रंग गोरा करने के बहुत से तरीके हैं और हर कोई अपनी राय देता है लेकिन आज मैं आपको रंग गोरा करने और चेहरे से दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए जो नुस्खे बताऊंगी अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो मेरा दावा है कि आप हैरान रह जाएंगे और जब नतीजा आप लोगों के सामने होगा तो आप मुझे याद भी करेंगे जो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो कुछ यूं है लीम और ज़ैतून का रोगन अगर आपकी जल्द बदरंग हो गई है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं लीमू के अर्क में जैतून का रोगन एक चम्मच मिलाएं और चेहरे को भाप देकर रुई की बॉल बनाकर गर्म पानी में निचोड़ लें और इस लेप को चेहरे पर लगा लें चेहरे और गर्दन को आहिस्ता आहिस्ता मालिश करें और थोड़ी देर बाद धो लें और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और पेस्ट बना लें तरीका इस्तेमाल हफ्ते में तीन बार इस पेस्ट को चेहरे पर लगा कर तकरीबन आधा घंटे तक लगा रहने दें जब खुश हो जाए हल्के हाथों से रगड़ रगड़ कर उतार लें जब अच्छी तरह उतर जाए तो चेहरे को ठंडे पानी से धो लें ऐसा करने से आपका रंग भी बहुत गोरा हो जाएगा और दाग दबी भी ख़त्म हो जाएंगे लीमू, बेसन और हल्दी से रंग रंग गोरा करने का तरीका अगर कम वक्त में चेहरे को चमकदार बनाना हो तो एक बड़ा चम्मच बेसन एक लीमू का रस और आधा चम्मच हल्दी का पेस्ट बना लें और 10 से 15 मिनट चेहरे पर लगा रहने दें और बाद में ठंडे पानी से धो लें और देखिए फिर क्या जादू होता है तो व्यूवर्स ये थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अल्लाह